रोजगार विभाग पलवल द्वारा आज युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। जिला रोजगार अधिकारी शक्तिपाल ने बताया कि मेले में विभिन्न एमएनसी कंपनियों ने भाग लिया और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए। उन्होंने बताया कि रोजगार मेले का उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना है। शिक्षित युवा रोजगार कार्यालय में पंजीकरण कराकर योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। रोजगार मेले का आयोजन जिला रोजगार कार्यालय पलवल के द्वारा किया गया है, जिसमें हमने 5 कंपनियां बुलाई जो हैं बायोमेड, संजन विकास, टोक्यो एम्पीरिकल, फोनिक्स और साई एसकेएच। इसमें क्या है कि जो बायोमेड है उसको 10+2 कैंडिडेट चाहिए और जो और कंपनियां हैं, जो बाकी 4 कंपनियां हैं, उनको डिप्लोमा चाहिए ITI मैकेनिकल। तो उद्देश्य इसका यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार दिलाना और जो रोज़गार की इच्छा रखते हैं वो हमारे पास कैंडिडेट आए भी हैं, हमने उनको कॉल किया था, प्रेस नोट के जरिए हमने जनसाधारण को भी सूचित किया था कि जो बच्चे रोज़गार लेना चाहते हैं वो इन कंपनियों में अपना इंटरव्यू दें आके। देखो, इसमें मेनली 2 स्कीम हैं, एक तो पुराना भत्ता स्कीम है, दूसरा है सक्षम स्कीम। पुराना भत्ता स्कीम में कैंडिडेट एलिजिबल होता है 3 साल के बाद, जब वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है उसके 3 साल के बाद वो एलिजिबल होता है स्कीम में आने के लिए। उसके लिए उसको नवंबर में अपनी फाइल लगानी होती है। और इसके अतिरिक्त है सक्षम युवा स्कीम, उसमें क्या है कि आप बच्चा कभी भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है और उसके बाद वो स्कीम में एंटर कर जाता है। सक्षम पोर्टल के थ्रू उसको एक फॉर्म भरना पड़ता है, उसके बाद वो अपना स्कीम में आ सकता है। Day 1 से ही वो स्टार्ट हो जाता है। हेलो सर, मेरा नाम रोहतास है, मैं पॉलिटेक्निक BTech होल्डर हूँ, इसी से मैंने BTech किया हुआ है। आज हम यहाँ पर जिला रोजगार कार्यालय में जो जॉब फेयर हुआ है उसी के लिए सारे बच्चे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये इस तरह के जो जॉब फेयर्स हैं ये हर मंथ हो जाए तो इससे हमारे अनएम्प्लॉयमेंट में कमी देखने को मिलेगी। समय समय पर अगर ये होता रहेगा तो ये बच्चों के लिए एज वेल एज हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसका रेट बढ़ा हुआ, वो डाउन हो जाएगा। तो ऐसा होने से बच्चों में एक जोश और एक उत्साह आएगा, जिससे हर बच्चे के जो माता पिता होंगे उनके ऊपर जो बर्डन है वो भी कम हो जाएगा। मेरा नाम शिवनारायण है और मेरी योग्यता MA BEd है। और जैसे कि आज जिला रोजगार कार्यालय में जो जॉब फेयर का आयोजन किया गया है तो उसमें बच्चों के रोजगार की व्यवस्था की गई है, क्यों रोजगार आज के टाइम में बहुत ही अच्छा साधन है, क्यों बिना रोजगार के व्यक्ति को ही पूछनी होती है। और अगर जिसके पास रोजगार होता है जिस बच्चे के पास, तो माँ बाप का बर्डन भी कम हो जाता है। तो इसलिए रोजगार की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें आएँ और